हर दंपति यह चाहता है कि उनकी अपनी संतान हो। ऐसे में यदि उन्हें संतान न हो तो वह मंदिर और अस्पतालों की चौखट पर पहुंच जाता है। कई मर्तबा उसे वहां से भी निराश लौटना पड़ता है, जिसे देखते हुए आज साइंस ने काफ़ी प्रगति की है। इसी के तहत श्री खंडे टेस्ट ट्यूब बेबी व सरोगेसी सेंटर नागपुर एवं फेमिकेयर फाउंडेशन द्वारा निसंतान दंपतियों एवं 15 से 55 साल की महिलाओं के लिए महामारी से संबंधित निशुल्क परामर्श शिविर लिया गया था। यह शिविर रविवार 7 फरवरी को सरकार नगर स्थित श्री गजानन मंदिर देवस्थान में किया गया। नागपुर के स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे ने निसंतानों की जांच कर चर्चा सत्र रखा था, जिसमें कई निसंतान दंपतियों ने पहुंचकर अपना इलाज करवाया और चर्चा सत्र का हिस्सा बने। आज सुबह से हमने काफ़ी निसंतान दंपतियों से परामर्श किया, उनका चर्चा सत्र हमने आयोजन किया। हम सभी को यही बताना चाहेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है निसंतान दंपतियों के केस में, वो होती है महिला की उम्र। अगर महिला की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है तो उसमें अपने आप अंडे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर शादी के वक्त महिला की उम्र 30 साल से कम है तो आप एक साल तक घर में ही बच्चा होता है क्या उसके लिए रुक सकते हैं। पर अगर शादी के वक्त महिला की उम्र 30 साल या उससे अधिक है और 6 महीने के भीतर अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं होती है तो आपको डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाना चाहिए। अभी हमने कहा कि महिला की उम्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा फॉल्ट या सारा दोष महिलाओं में होता है। ये जो समस्या होती है ये दंपत्ति की होती है, इसलिए जब भी उनको परामर्श के लिए भी बुलाया जाता है तो उन्हें समझाया जाता है कि पति और पत्नी दोनों जन साथ में डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि देखते देखते विगत 5 से 10 सालों में पुरुषों में जो समस्या आई है शुक्राणुओं की, उसका प्रमाण ऑलमोस्ट 50% हो गया है। अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप समझ लीजिए कि दोनों जन 50-50 के भागीदार हैं, यानी 50% प्रॉब्लम पुरुषों में होता है, 50% दोष महिलाओं में पाया जाता है। पुरुषों में देखते देखते शुक्राणुओं की जो कमी पाई जा रही है उसके बहुत सारे कारण हैं। दिन पर दिन बढ़ने वाला तनाव, अल्कोहल यानि वाइन का बहुत ज़्यादा सेवन, तंबाकू, गुटखा, मोबाइल के टावर्स, बहुत ज़्यादा जो लोग कंप्यूटर को अपने गोद में रख के काम करते हैं, ये सारे वजह से पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी बहुत तेजी से पाई जा रही है। डॉक्टर के पास जाइए, उनसे चर्चा करिए कि डॉक्टर अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए और वो जो आपको ट्रीटमेंट सुझा रहे हैं वो आप ट्रीटमेंट करते रहिए। हमें उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से आगे जाएंगे तो हर निसंतान दंपत्ति को अपनी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा।